वेलकम टू आवर चैनल लाइफ इन ट्रेडिंग। एंड कल के लिए अपने पास पांच स्टॉक है जिन पांच स्टॉक में हम लोग ट्रेड लेंगे। और निफ्टी पे आते हैं सबसे पहले कि निफ्टी में जैसे हम बोले थे कि निफ्टी पॉजिटिव रहेगा, हालांकि ग्लोबल मार्केट पूरा नेगेटिव था, उसके बाद भी अपना ट्रेड एक्टिव रहा और अपना जो टारगेट था हम लोग का कल यहाँ पे ट्रेड एक्टिव हुआ था, हम लोग यहाँ पे बाई किए थे और अपना जो फर्स्ट टारगेट था इस टारगेट पे हम लोग का प्रॉफिट बुकिंग जोन था और फर्स्ट टारगेट तक मार्केट आज चला गया। हालांकि कल डाउ जोन्स एंड नाजदाक दोनों 1-1% डाउन था, फिर भी हम लोग का इंडियन मार्केट पॉजिटिव हुआ, फ्लैट ओपन हुआ। उसके बाद फ्लैट ओपन होते ही यहाँ पे देखिए मॉर्निंग में जैसे ही ये फ्लैट ओपन हुआ मार्केट यहाँ पे ओपन होके वापस ऊपर गया और अपना टारगेट कंप्लीट करने के बाद नीचे गिरा, वापस ये ऊपर जाने की कोशिश किया। तो ओवरऑल अभी इंडियन मार्केट स्ट्रांग है। तो कल का थंबनेल से आपको वो पता चल गया होगा, बहुत सारा न्यूज वगैरह भी आया था कि मार्केट नीचे गिरेगा, गैप डाउन ओपन होगा वगैरह वगैरह। बट हम लोगों को प्रोसेस को फॉलो करना है, रूल रेगुलेशन को फॉलो करना है, स्टॉप लॉस हिट होने से एग्जिट करना है, इन सब चीजों पे ध्यान देना। सबसे पहला नंबर स्टॉक है अपने पास आदित्य बिरला फ्लैश, एंड ये एक फिर से रेंज में आ गया। 3 दिन का कंसोलिडेशन इसमें बनते हुए दिख गया है, बड़े से ये छोटा होता गया, अब ये कहीं ना कहीं ये ब्रेक करेगा। तो पहले इसमें बुलिश रैली था तो हम लोग ज्यादातर एक्सेप्ट कर सकते कि अपसाइड ब्रेक करे, तो अपसाइड अगर ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ पे 305.75 तक का टारगेट देखने को मिलेगा। ये अपना फर्स्ट टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट पे कोशिश कीजिएगा प्रॉफिट बुक कर लेने का। सेकंड टारगेट बड़ा है तो यहाँ तक पहुंचने में टाइम लगेगा, तो इंट्राडे अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए। तो एंट्री पॉइंट रहेगा 295.9, यानी कि अगर कल आदित्य बिरला 295.9 के ऊपर अगर इसके ऊपर कैंडल बना देता तो हम लोग बाई करेंगे। एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 290.30। इनकेस मार्केट ऊपर जाने के बाद नीचे अगर गिरता है तो यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर देंगे, हम लोग इसको पकड़ के नहीं रखेंगे। ये नहीं है कि हम ट्रेड ले लिए अब गलत हो या सही हो हम इसको एग्जिट नहीं करेंगे, होल्ड करेंगे, ऐसा नहीं करना है। समुंदर का गहराई मापने जाएंगे तो डूब जाएंगे और मार्केट का भी हम लोगों को गहराई नहीं मापना है, हम लोगों को ऊपर से ऊपर ही काम करना है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिसके वजह से अपना कैपिटल खत्म हो जाए। एंड सेकेंड टारगेट रहेगा 331, एक सप्ताह 10 दिन 15 दिन लग सकता है यहाँ तक टारगेट जाने में। थर्ड सेकेंड नंबर पे है अपने पास लिंड इंडिया एंड लाइन इंडिया को देखेंगे तो ये एक ट्रेड लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर जा रहा था एंड अच्छा खासा अपसाइड मूव मिला इसमें देखने को। बट यहाँ पे क्या हुआ, एक बार ट्रेड लाइन से सपोर्ट लेके ऊपर गया, वापस सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश किया बट सर्वाइव नहीं किया। यहाँ पे हम लोग को पहला हिंट क्या मिला कि मार्केट इस ट्रेड लाइन से सपोर्ट लेके ऊपर जाने का कोशिश किया, सरवाइव नहीं किया, तब जाके नीचे गिरा। नीचे जब गिरा तो रेड कैंडल बड़ा बनने लगा। तो हम लोग वेट करेंगे कि आज का जो हाई है, अगर कल ये हाई, आज का जो लो है, कल अगर ये लो के नीचे कैंडल बनता है तो हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। तो 2545.4 अगर इसके नीचे कैंडल बन जाता है कल तो हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। अपना स्टॉप लॉस रहेगा 2608, यहाँ तक का हम लोग लॉस देखेंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा 2450 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 2307, यानी कि यहाँ तक हम लोगों को टारगेट देखने को मिलेगा क्योंकि ये एक डिमांड जोन है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया था तो वापस इस जगह को ये फिल करेगा, बीच में कोई सपोर्ट नहीं है। तो इसलिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस, एक बड़ा टारगेट हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि अपना प्रॉफिट पार्ट वाइज बुक कर लेना, अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि इंट्राडे में आपको दोनों टारगेट मिल जाएगा। तो यहाँ तक टारगेट अचीव होने में 3 दिन 4 दिन 5 दिन लग सकता है, तो उसके हिसाब से अपना डिसीजन लीजिएगा। थर्ड नंबर स्टॉक है अपने पास MGL महानगर गैस, एंड ये भी एक ट्रेड लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था, आज ये ब्रेकडाउन दिया और ब्रेकडाउन देने के बाद एक रेंज बना दिया, मतलब कि मार्केट नीचे एक रेंज बनाया है, यहाँ से नीचे बनने के बाद मार्केट ऊपर गया, वापस से नीचे आने का कोशिश किया। तो कल हम लोग वेट करेंगे कि अगर 879 के नीचे अगर आता है MGL तो इसको हम लोग सेल करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 887.6, मतलब अगर नीचे आने के बाद ऊपर जाता है तो यहीं तक हम लोग लॉस देखेंगे, इसके ऊपर जाएगा तो हम लोग एग्जिट कर देंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा 861.55, यानी कि 861.55 का अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट रहेगा 848 का
एंड थर्ड टारगेट रहेगा 815.5। यहाँ तक अपने को टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर वन डे का कैंडल इसको हम अगर करते हैं तो यहाँ पे एक आपको क्लियर व्यू मिलेगा कि मार्केट एक बड़ा सा रेड कैंडल बनते हुए नीचे की तरफ गिर रहा था, तो ऐसा कैंडल में ट्रेड करने में मजा आता। तो इस तरीके का फॉल देखने के बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने का कोशिश कर रहा था। बट अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे मार्केट तो ऊपर के साइड जा रहा है, बट यहाँ पे अपना वॉल्यूम नीचे की तरफ आ रहा है, कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है कि जब मार्केट ऊपर के साइड जा रहा था तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था, मतलब मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहता था, बस कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुआ, कुछ पोजीशंस अपना लोग जो लोग है मार्केट को ट्रेंड को नहीं समझ रहे, वो लोग ट्रेंड के साथ मतलब धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रहा, कोई ना कोई तो बाई सेल करते रहता है टाइम। बट जो लोग श्योर श्योर लेते हैं, मतलब जो बड़ा क्वांटिटी में ट्रेड लेते हैं, वो लोग ऐसा जगह पे ट्रेड लेते हैं, ऐसा जगह पे ट्रेड लेते हैं। तो वन डे का कैंडल में एक रेड कैंडल बना है जो कि हाफ कैंडल से ज्यादा नीचे में क्लोजिंग दिया है, तो कल एक शार्प फॉल देखने को हम लोगों को इसमें मिल सकता है। तो हम लोग वेट करेंगे कि एमजीएल अगर आज का लो के नीचे जाता है, यानी कि आज का जो लो है यहाँ पे, इस लो के नीचे अगर कल हम लोगों को क्लोजिंग मिलता है तो हम लोग एमजीएल को सेल करेंगे और अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा 861। हालांकि हम इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं, दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस, एक बड़ा टारगेट अचीव करने का मौका मिलेगा। एंड फोर्थ नंबर पे हम लोग के पास ग्रिंडवेल न्यूटन, और इसको देखेंगे तो ये एक ट्रेड लाइन को फॉलो करते हुए नीचे की तरफ गिर रहा था, ये ट्रेड लाइन यहाँ पे ब्रेक हुआ और वॉल्यूम एकदम से इंक्रीज हो चुका है। वन डे का कैंडल अगर हम इसको करते हैं तो वन डे का कैंडल में आपको क्लियर व्यू मिलेगा कि मार्केट एकदम से बुलिश हो चुका है, कैंडल इस ट्रेड लाइन के ऊपर में क्लोजिंग दिया है, वॉल्यूम एकदम से हाई है। तो वॉल्यूम हाई होने का मतलब है कि बायर्स लोग यहाँ पे हेवी प्रेशर में है, बस इसको आज ब्रेकआउट नहीं मिला किसी तरीका से। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, सारा कैंडल देखिए 1950.2 के पास में अटक गया, अगर इसके ऊपर ये ब्रेक करता है तो एक अच्छा खासा हम लोग को प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो हम लोगों का टारगेट रहेगा 2033 का टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस पॉइंट रहेगा 1923, यानी कि ऊपर जाता है और नीचे आ जाए तो यहाँ तक का लॉस होगा हम लोग को, अगर ऊपर जाता तो यहाँ तक का प्रॉफिट होगा। बट ये प्रॉफिट एक दिन में नहीं मिलेगा, याद रहे 2 दिन 3 दिन टाइम लग सकता है। तो इंट्राडे कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा फर्स्ट ब्रेकआउट पे 90% बुक करके बैठ जाने का है और 10% डे एंड तक छोड़ देना है। फिफ्थ जो कि लास्ट स्टॉक है अपने पास, वो है एचडीएफसी बैंक, ये 15 मिनट का चार्ट है एंड ये एक ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा था और यहाँ पे रेंज उतना छोटा नहीं, मीन्स ये स्टॉक उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकता है, बट हम लोग इसको फिर भी ट्रेड लेंगे क्योंकि एचडीएफसी हाई वॉलीटाइल स्टॉक है, मे बी इसमें एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेते हैं, अगर हम लोग को रिस्क लग रहा है तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा कर लेते हैं, ये जो लो है ये लो पे स्टॉप लॉस रखते हैं 1553.50 पैसा, मीन्स 1553 का जो रहेगा लो ये अपने स्टॉप लॉस बनेगा। इन केस मार्केट ऊपर जाने के बाद नीचे आता तो ये हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। एंट्री पॉइंट रहेगा 1566.8, 1566.8 के ऊपर अगर कैंडल बनता है तो हम लोग इसको बाई करेंगे और होल्ड करेंगे 1610 तक का टारगेट के लिए। तो यहाँ तक अपना टारगेट रहेगा। तो ये पांच स्टॉक है कल के लिए जिसमें हम लोग ट्रेड लेंगे, पॉजिटिव साइड भी ट्रेड हम लोग ले रहे हैं, नेगेटिव साइड भी ट्रेड ले रहे हैं, बट सब में नहीं लेना, जिसमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आए तो ही ट्रेड लेना है, अदरवाइज हम लोग स्किप करने का कोशिश करेंगे। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, पांचों में ट्रेड नहीं लेना है, आपके हिसाब से आप ट्रेड लीजिए, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कीजिएगा, क्वांटिटी डिसाइड कीजिएगा स्टॉप लॉस के हिसाब से। इन केस आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपका कैपिटल का 2 से 5% तक का ही नुकसान सहना है, ऐसा ना हो कि स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आपका कैपिटल का 10% एक बार में गायब हो जाए, ऐसा नहीं करना है। एक दिन में अपने को यहाँ पे करोड़पति नहीं बनना है, इस चीज को हम लोग को डेली करना है। तो हम लोगों को रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, उसको ध्यान पे रख के अपना ट्रेड को आगे बढ़ाना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप आज ही पैसा कमा सकते, कल भी कमा सकते, उसके बाद वाले दिन भी कमा सकते, बट तभी कमा पाएंगे जब आप अपने पास पैसा बचा के रखेंगे। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और ये मिडिल में जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि अभी लाइक कर दीजिए, तो आज हम नहीं बोल पाए, बट ऐसे जब हम बोलते हैं अभी लाइक कर दिए तो सही में देखते हैं कि लाइक आता है। मीन्स आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो उसको आप लोग रिस्पॉन्स नहीं देते, वीडियो देख के बस
हट जाते हैं। तो नहीं, वीडियो एंड पे हम बोल रहे हैं कि अभी लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी जरूर से कीजिएगा, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा चैनल्स का लिंक मिल जाएगा, आप मुझे वहां तक तो चाहे तो फॉलो भी कर सकते हैं। एंड 20 जनवरी से अपना न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जो लोग चाहते हैं एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करना वो लोग वो न्यू बैच को ज्वाइन भी कर सकते हैं। थैंक यू।